मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति के आधार पर, क्षेत्र और मजहब के आधार पर विकास कार्य नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने आवास दिया है, हमने किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी सरकार में 2.5 लाख रुपए शहरी आवास में दिया जा रहा है। 1207 आवास बनना प्रारंभ हो गया है, जिससे कोई गरीब मकान से वंचित ना रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कस्बा संग्रामपुर उनवल के नाम पर एक बहुत पुरानी ग्राम पंचायत है। ये पूर्वांचल की एक बहुत पुरानी स्टेट के रूप में जानी जाती थी। आज़ादी के बाद ग्राम पंचायत बनी और प्रदेश की ये नई नगर पंचायत है। इस नगर पंचायत को हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के रूप में भी इसका चयन किया। नई नगर पंचायत होने के नाते इस नगर पंचायत में नगर पंचायत के भवन के भूमि पूजन का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर उस परिवार को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, आवास उपलब्ध कराने का जो एक लक्ष्य है, उसी क्रम में आज अकेले इस कस्बे में 1207 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार के लिए आवास स्वीकृत किए गए। पहली किस्त 50,000 की उनको उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर गांव से कस्बा होने के फलस्वरूप जो गली मोहल्ले थे उनमें इंटरलॉकिंग के लिए, पथ प्रकाश के लिए और अन्य योजनाओं के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई। विकास की योजनाएं, हम सबका ये मानना है कि विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर ही हम एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं, और इसीलिए शासन की योजनाओं का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह खाद्यान्न की योजना में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का हो, सौभाग्य योजना में विद्युतीकरण के साथ साथ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने का हो, ये सारे कार्यक्रम उसी क्रम में लिए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर नगर पंचायत को इन सारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध हो रहा है।